हाँ जी, गीता पाठशाला पर या मधुबन में 7 दिन का कोर्स करते हैं, फार्म भी भर कर देते हैं। हैं? फार्म भी भर कर देते हैं। क्या देते हैं? फार्म भर के देते हैं। हाँ जी, और फिर आते ही नहीं तो वो कौन सा पद पाएंगे और कब? जो आते रहते हैं वो राजयोग सीखने वाले हैं। राजयोग सीखते हैं वो राज फैमिली में आवेंगे। कितनी है राज फैमिली? 16,108। और जो आते ही नहीं वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, है? छोड़ देते हैं। तो राज फैमिली में आवेंगे या प्रजा वर्ग में चले जावेंगे? है? प्रजा वर्ग में चले जाते। और नर से नारायण बनने वाली आत्मा है जो बाप को अपना सच्चा सच्चा कुर्बान देती है, तो बाबा साकार बाप के लिए तो वो शिव बिंदु ही बाप है। तो साकार बाप के लिए तो शिव ज्योति बिंदु ही बाप है, तो क्या वहाँ पोता में लिख कर देती है या मन से ही ऐसे पता? जो साकार बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो डायरेक्ट एडवांस में आ जाता है या पहले बेसिक नॉलेज लेता है? है? तो जो बेसिक नॉलेज लेता है वो बाप को पहचानता है। बेसिक नॉलेज लेने वाले बाप के प्रैक्टिकल रूप को जानते हैं, तो किसको पोता मिल देंगे? देहधारी गुरुओं को पोता मिल देंगे या प्रैक्टिकल बाप के रूप को पोता मिल देंगे? किसको देते हैं? है? देहधारी गुरुओं को देते हैं। ये भी भक्ति हुई या ज्ञान हुआ? भक्ति हुई। अब जो जितनी सच्चाई से भक्ति करता है, जास्ती भक्ति करता है, सात्विक भक्ति करता है, तो उसको ज्ञान का फल भी जास्ती मिलता है। इसलिए बोला अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, बाकी ऐसे भी नहीं है कि वो एक कोई निराकार को पोता मिल देता होगा। नहीं, कोई साकार ही निमित्त बनते हैं पोता मिल लेने के लिए। और हाँ, भक्ति को अज्ञान कहा है तो बाप भी ये भी कहते हैं तुम्हें भक्ति का फल देने में आता हूँ। जो जितना ज्यादा भक्ति करता है उतना उसको ज्ञान भी ज्यादा मिलता है। तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। किसी ने अज्ञान में जास्ती नाक नगड़ी है तो मेहनत की है या नहीं की है तो फल नहीं मिलना चाहिए। भक्ति का फल देने के बलिए भगवान आते हैं। और सतयुग त्रेता युग की दोनों युग में 10 करोड़ आते हैं, तो वो 10 करोड़ में आने वाली आत्माओं ने एडवांस में भक्ति की होगी कि सिर्फ संदेश लेकर चले जाने वाले घर? एडवांस ज्ञान उठाने वाले एडवांस पढ़ाई पढ़ेंगे
या अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे है? और जो एडवांस पढ़ाई पढ़ेंगे वो 16 कला संपूर्ण बनेंगे या कम कलाओं वाले बनेंगे? 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं पक्के देवताएं कही जाती हैं। और त्रेता के अंत में जो 10 करोड़ होंगे वो तो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं ही नहीं, वो प्रजावर की आत्माएं हैं या राजावर की आत्माएं हैं? प्रजावर्ग है, प्रजावर्ग तो पढ़ाई ही नहीं पढ़ता। और पढ़ाई पढ़ने वालों में भी जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी कोई खसूसियत होगी या नहीं होगी? और डायनेस्टीज के मुकाबले वो 7 सूर्यवंशी हैं जो सूर्यवंशी होते हैं वो विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। या कोई हद का कल्याण करने वाले होते हैं? है? विश्व कल्याणकारी हैं, प्रजा भी विश्व कल्याणकारी होगी, वो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा सब श्रेष्ठ कैटेगरी के हैं। आज की दुनिया की जो राजाई चल रही है उन्हें श्रेष्ठ कैटेगरी नहीं कहेंगे, यथा राजा तथा प्रजा नहीं कहेंगे, आज की प्रजा ये नहीं समझेगी कि हमारी राजाई है, हम राजा के बच्चे हैं। ये कौन समझेंगे है? जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे ही समझेंगे। सारी प्रजा नहीं समझेगी। बल कहते हैं हमको स्वराज्य मिला है, हमारा राज्य है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा है क्या? प्रैक्टिकल में तो यथा राजा तथा प्रजा पहले जन्म की ही बात है। वहां राजा भी कहेगा मेरा राज्य, और बच्चे भी कहेंगे मेरा राज्य। सारी प्रजा राजा के लिए अपने बच्चों के मुआफिक होती है। आज के राजाएं प्रजा के लोगों को अपना बच्चा समझते हैं क्या? समझते हैं? नहीं समझते। और वहां तो नारायण का राज्य ही ऐसा होगा, सारी प्रजा का कैसे पालन करेगा? जैसे माँ बाप अपने बच्चों का पालन करते हैं। और जोर से बोलिए, अभी किसी की भी निरंतर याद नहीं हो सकती क्योंकि अभी सब दुविधा में है। अभी सब दुविधा में है, निरंतर याद करने के लिए साकार दुविधा से रहित रूप चाहिए। तो ये साकार दुविधा से रहित रूप, साकार दुविधा का मतलब है
कि वो साकार जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा गीता का भगवान है, वो गीता का भगवान एक है या दो हैं या अनेक हैं? भगवान का साकार पार्ट एक है या अलग अलग है? निश्चयात्म ज्ञान एक होता है या अनेक होते हैं? और ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि एक की होगी या अनेकों की होगी? बाकी सब नंबर वार निश्चय बुद्धि बनते हैं, कोई लंबे समय के लिए निश्चय बुद्धि बनते हैं और कोई अल्पकाल के लिए निश्चय बुद्धि बनते हैं। आज निश्चय बुद्धि बने और कल अनिश्चय आ जाता है। जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो एक को ही भगवान मानते हैं कि कोई और के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं? है, किसी और के डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं। तो साकार एक हुआ या अनेक हो गए? अनेक हो गए। अनिश्चयात्मक बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। कोई क्राइस्ट को ही भगवान मानने लग पड़ेंगे, कोई कृष्ण को भगवान मानते हैं, कोई शंकराचार्य को भगवान मानेंगे, कोई बुद्ध को भगवान मानेंगे। कोई ऐसे भी होते हैं जो कण कण की तरह नाचीज पार्ट बजाने वालों को भी भगवान समझ बैठते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो ठिक्कर अर्थात मिट्टी की ढेले की तरह है, ज्ञान मार्ग में से ठोकर लगने से टूट पड़ते हैं। ऐसे मिट्टी की ढेले की तरह ठिक्कर बुद्धियों को भी भगवान मान लेते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो भीतर को भगवान मान लेते हैं। भीत दीवाल को कहा जाता है, जैसे मुसलमान दीवाल सामने खड़ी कर लेते हैं और उस दीवाल के सामने ही नमन करते रहते हैं भगवान समझ करके। तो वो दीवाल चैतन्य होती होगी या जड़ दीवाल होती होगी? जड़ होती होगी। जड़ तुम्हारी बुद्धि वाली होती होगी जो भगवान को पहचानते हुए भी नहीं पहचानती है, जैसे गांधारी सचमुच में अंधी थी या जानबूझ करके पट्टी बांधी हुई थी? तो ऐसी वो भीतर रूपी भीत होती है, दीवाल होती है, जो न खुद भगवान को पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। सबकी बुद्धि में तराप लगाई देती है। उसका नाम क्या है? है? माया। माया फाइनल में साप की बुद्धि को तराप लगाई देगी।
फाइनल पेपर में सांप को फेल कर देती है। सबको फेल करके और खुद पहले सरेंडर हो जाती है। तो सर्वशक्तिमान कितने कहे जाते हैं? है एक भगवान बाप ही सर्वशक्तिमान है कि दूसरा नंबर भी कोई है? माया भी सर्वशक्तिमान कही जाती है। जो अपने मुकाबले कोई दूसरी आत्मा को पहले सरेंडर नहीं होने देती, ऐसी विघ्नों की दीवार बनकर के खड़ी हो जाती है। और वो तो दुनिया भर के होते हैं। एक बात तो पक्की करो, पहले अग्नि संस्कार करते हैं, तो वो अग्नि संस्कार सिर्फ हिंदुओं में ही करते हैं कि सब धर्म वालों में करते हैं? है? क्यों? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही। कोई अव्वल नंबर के ऐसे ब्राह्मण हैं जो ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में देवान को पूरा राख बना देते हैं। उनको फॉलो करने वाले देवी देवताएं बनते हैं। वो ही देवी देवताएं द्वापर युग से हिंदू कहे जाते हैं। तो हिंदुओं में वो रीति रस्म मनाई जाती है। क्या? जब कोई मरते हैं तो क्या करते हैं? है? आग में जलाए के राख कर देते हैं। भक्ति मार्ग में सारे काम स्थूल रूप में करते हैं। है यहां की यादगार, यहां सूर्यवंशी ब्राह्मण जब मरते हैं जीते जी तो देह को अग्नि में डालते हैं या देह अभिमान को योगाग्नि में डालते हैं? देह अभिमान को योगाग्नि में डाल देते हैं। और जो सूर्यवंशी नहीं बनने पाते इस्लाम वंश में चले जाते हैं, बौद्धि वंश में चले जाते हैं, क्रिश्चियन वंश में चले जाते हैं या यहूदी बन जाते हैं या कोई भी और धर्म में चले जाते हैं, तो उनकी देह जलाई जाती है या मिट्टी में दबाई जाती है? क्यों? क्योंकि यहां जो कच्चे ब्राह्मण होते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण सो देवता कच्चे बनते हैं, वो अपने देह अभिमान की मिट्टी को पूरा खलास नहीं कर पाते। देह अभिमान की मिट्टी रह जाती है, आत्मा देह अभिमान की मिट्टी में दबी रहती है। देह अभिमान की मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए मिट्टी में दबाए जाते हैं। ऐसे ही हर धर्म वालों की भक्ति मार्ग की परंपराएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। फाउंडेशन कहां पड़ता है? उन परंपराओं का फाउंडेशन कहां पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ रहा है।
और बाबा हाँ राम निराकारी को कहेंगे या साकारी को? राम वाली आत्मा पुरुषार्थ करके 100% निराकारी बनती है या नहीं बनती है? है? बनती है। राम वाली आत्मा के सिवाय कोई दूसरी जन्मण के चक्र में आने वाली आत्मा 100% निराकारी बनती है? नहीं बनती है। इसलिए एक का ही गायन है। क्या? आत्मा सो परमात्मा। भक्ति मार्ग में उन्होंने समझ लिया हर आत्मा सो परमात्मा बन जाती, परंतु ऐसे नहीं है। जो साकारी राम है वो ही पुरुषार्थ करके निराकारी स्टेज धारण करता है। तो बाप तो संगम पर ही नाम देते हैं, जो निराकारी बाप है तो वो संगम पर ही नाम देते हैं। संगम पर ही साकारी राम निराकारी बनता है, क्योंकि संगम पर ही निराकारी राम जो सदा शिव कहा जाता है, सदैव निराकारी है, कभी भी साकारी नहीं बनता। साकार शरीर में साकार इंद्रियों से कर्म भी करता है तो भी कैसी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है। जिस तन के द्वारा मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है उस तनधारी को ही निराकारी संपन्न आप समान स्टेज में पहुंचाता है। इसलिए कहा जाता है निराकारी निर्विकारी सो निरहंकारी। निराकारी जितने बनेंगे उतने ही निरहंकारी बनेंगे, देहंकार छूटता जाएगा। निराकारी नहीं बनेंगे या परसेंटेज में निराकारी बनेंगे तो देह अभिमानी भी परसेंटेज में रह जाएगा। और जितना अंत मते सो गते दे अभिमान रह जावेगा उतनी ही धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी। बाबा जो शरीर छोड़ते हैं, जो आत्मा शरीर छोड़ती है तो बाबा कहते तुरंत जाके जन्म लेती है, तो फिर ये शांति पाठ वगैरह क्यों करते हैं? वो आत्मा को शांति मिले क्या? गर्भ में जाके शांति मिल जाती है? ये संगम युग की बात है या हर एक युग की बात है? संगम की बात है कि संगम में जब आत्मा देह अभिमान छोड़ती है तो शांति धाम की वासी बनती है। हर युग का गायन नहीं है। भक्ति मार्ग में जो बातें होती हैं वो कहाँ की यादगार है? यहाँ की यादगार है, है? वेद में क्या? मृत्युंजय, मृत्यु से जय पाए, मृत्यु के ऊपर विजय पाले। मृत्यु शरीर की होती है या आत्मा की होती है? तो ऐसा जाप करे अजपा जाप जो शरीर की मृत्यु के ऊपर भी विजय पाले,
ऐसा मृत्युंजय बेहद का जाप करने वाली कितनी आत्माएं होंगी? है एक ही होगी, जिंदा रहेगी, बाकी सबके शरीर खलास हो जाएंगे। है हाँ, 4.5 लाख आत्माएं हैं जो बेहद का मृत्युंजय जाप करती हैं और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करती हैं। उनके शरीर की भी मृत्यु नहीं होती है, सदैव स्वर्ग में जाती हैं। कैंसर मुरली में 14 सितंबर में बोला है कि कैंसर की पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए यदि कोई गोली मारकर उनको उनको पीड़ा से मुक्ति दिलाता है तो यह पुण्य का काम है। कैंसर की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति को गोली मारकर उसको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं तो यह पुण्य का काम है। ये किसका काम है? पुण्य का काम है। पुण्य का काम है। हाँ, तो उसे गोली मारकर इस पीड़ा से मुक्ति दिलाना पुण्य का काम है। अच्छा, तो परंतु बाबा यदि कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जीवघात करता है तो फिर क्या यह भी पुण्य का काम है? कैंसर की भी कैटेगरीज होती हैं। जो आखिरी कैटेगरी वाला है उसको कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता है, ऑपरेशन करके उसको जीवित नहीं रख सकता है, तो वो तो दर्द में मरता ही रहेगा, दुखी ही होता रहेगा कि उसकी सुखी होने की संभावना है, है? तो इससे तो अच्छा मर जाए नहीं अपने आप। बेहद के कैंसर के रोगी भी हैं और हद के कैंसर के रोगी भी होते हैं। हद के कैंसर वालों के लिए बोला है गोली मार देते हैं तो उनको दुख से निजात मिल जाती है। जो बेहद के कैंसर के रोगी हैं उनको ज्ञान की गोली मारी जाती है तो उनको भी निजात मिल जाती है। और माताएं भोजन बनाती हैं घर में बाबा की याद में, वो भोजन ब्रह्मा भोजन बन सकता है क्या बाबा? सिर्फ भोजन को ही ब्रह्मा भोजन नहीं कहा जाता, ब्रह्मा भोजन वो है जो ब्रह्मा की कमाई से बनाया जाए। अगर कमाई किसी पापी की है और दुनिया में जितने धंधे हो रहे हैं वो सब धंधे पाप की कमाई वाले हैं या पुण्य की कमाई वाले हैं? और ब्रह्मा जो कमाई करता है वो ईश्वरीय धंधे से कमाई करता है या आसुरी धंधे की कमाई है? है ईश्वरीय धंधे की कमाई है। बोला भी है सब धंधों में है नुकसान, एक ईश्वरीय धंधे में नुकसान नहीं है। ईश्वरीय धंधे से जो कमाई होती है उस कमाई से जो अन्न खरीदा जाता है और जो भोजन बनाया जाता है वो ही ब्रह्मा भोजन है। और अपनी तो सेफ रखना ही एक साधना है क्या, और ये अपना लक्ष्य है क्या? ज्ञान में अपने को सेफ रखना ही एक साधना और वही अपना लक्ष्य है क्या?
याद में अपनी कुर्सी, ज्ञान में अपने को सेफ रखना ही एक साधना है और अपना लक्ष्य है। क्या ज्ञान में अपने को सेफ रखना ही अपनी साधना और अपना लक्ष्य है? क्या सेफ रखने का क्या मतलब? सेफ माने सेफ्टी है, साधना से सेफ्टी हो जाती है ना अपनी को, सभी बातों से। साधना किसे कहा जाता है? जो साध्य करते उसको साधना करते, अपनी इंद्रियों के साथ साध लेते। इंद्रियां कैसे सधती हैं? ये बाप की याद, बाप की याद निरंतर रहती है तभी इंद्रियों की साधना हो सकती है, या एक सेकंड याद रहती है सेकंड सेकंड में याद नीचे चली जाती है, वृत्ति नीचे चली जाती है, तो इंद्रियां सधेंगी या नीचे गिरेंगी? इसलिए देखना है कि हमारी याद निरंतर है और निरंतर याद सहज याद होगी या खींच खींच के याद किया जाएगा वो याद होगी। सहज कब होगी और निरंतर कब होगी? नहीं, जितना जितना बाप की गहरी पहचान होगी उतना उतना सहज याद होगी, और जितनी सहज याद होगी उतनी ही निरंतर होती जाएगी। तो मुख्य बात है ज्ञान की गहराई में जाना। ज्ञान माने जानना, और बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति यदि स्वयं ही जीवघात करता है तो फिर उसको क्या कहेंगे बाबा? बीमारी में चलते चलते, बीमारी में याना डॉक्टर ने जैसे ये बता दिया कि वो बीमारी से त्रस्त होकर अगर स्वयं जीवघात करता है तो उसे क्या कहेंगे? बीमारी से त्रस्त होकर स्वयं ही जीवघात करके इस पीड़ा से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? पुण्य का काम कहेंगे या क्या कहेंगे? जीवन देना और जीवन लेना ये विधाता का काम है या हमारा काम है? किसका काम है? तो ला अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात है या खराब बात है? है? ये तो बहुत खराब बात है, जीवघाती महापापी कहा जाता है। और पुरुष को समझना आसान है और प्रकृति को समझना मुश्किल क्यों है? हाँ, प्रकृति रचना है और पुरुष रचयिता है। पुरुष जो रचयिता है वो बेहद का पुरुष है या हद का पुरुष है? जो बेहद का बाप है वो बेहद का पुरुष है, वो अपनी पहचान खुद ही देता है। तो सुप्रीम सोल बाप जो सर्वशक्तिवान है वो अपनी पहचान खुद बच्चों को देता है, तो सहज है या कठिन है? है? बाप खुद आकर के अपनी पहचान देता है तो वो पहचान सहज है या कठिन है?
सहज हो जाती है। इसलिए बाप को पहचानना सहज है और प्रकृति जड़त्वमय बुद्धि वाली है या चैतन्य है वो अपनी पहचान खुद जानती है, वो खुद ही अपनी पहचान नहीं जानती है तो बच्चों को अपनी पहचान कहां से देगी। इसलिए रचना को पहचानना मुश्किल हो जाता है, बाप को पहचानना फिर भी सहज है। और रावण के जो पांच ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जितना पहचाना होगा उतना ही सरेंडर होगा, पहचाना ही नहीं होगा तो सरेंडर भी नहीं होगा। और पूरा पहचानना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे बच्चे रूठते हैं और मासी के घर में चले जाते हैं, जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। ये बाप पूर्व जन्मों की गुह्य गति को जानता है। तो बाप नंबरवार बच्चों को खुद ही अपनी पहचान देता है कि 500 करोड़ को एक जैसी पहचान देता है, है? एक जैसी पहचान देता है नहीं देता है? है? देता है, पार्शलिटी करता है, फिर है? हाँ, नंबर वार जैसे जैसे बच्चे हैं उन्होंने 63 जन्मों में जैसा जैसा पार्ट बजाया है उस अच्छे या बुरे पार्ट के अनुसार उनको स्वतः ही पहचान मिल जाती है। बाप किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है। और बेहद का दुख माना क्या बाबा? बेहद का दुख, बेहद का दुख माना क्या? जैसे बाबा कहते हैं बेहद का सुख भी है तो बेहद का दुख भी है, तो बेहद का दुख माना? बेहद का बुद्धि, बेहद का दुख। एक हद का दुख होता है, रोटी कपड़ा और मकान, दुखी लोग होते हैं ना। खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, खुद भी नहीं भरपेट खाते हैं, बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं, कहते भी हैं नहीं दरिद्र संपातक पुंजा, लेकिन गर्भ में भी आत्मा जाती है, वो भी हद का दुख है। लेकिन धर्मराज की सजाएं खाती है वो हद का दुख है या बेहद का दुख है? है? वो ही बेहद का दुख है। और बाबा, बाबा, का अरे उनका नंबर भी तो लगने दो, आप ही आगे रहेंगे। हाँ बोलो। बेहद का जो कैंसर का रोगी होता है बाबा, है? लक्षण क्या होता है बेहद का? कैंसर का रोगी जो होता है उसके लक्षण वो हद के जो लक्षण होते हैं वो ही बेहद के लक्षण होते हैं। हद में कैंसर होता है तो दुखी ज्यादा होता है या कम होता है? है? उसका दुख देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? है? कोई को देखा भी नहीं जाता। ऐसे ही जो बेहद के कैंसर वाले होते हैं, और कैंसर एक तरह का नहीं होता है, कैंसर भी अनेक प्रकार का होता है,
कोई के खून में ही कैंसर हो जाता है। क्या? जिनके खून में कैंसर हो जाता है उनका खून बार बार बदलना पड़ता है पूरे शरीर का। यहां बेहद का खून कौन सा है? ये संकल्पों का खून है। कोई कोई के संकल्प बाबा के ज्ञान के विरोध में ही चलते रहते हैं। प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, जैसे कि संकल्पों का कैंसर हो गया हो। उनका सारा खून चेंज करना पड़े। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे गायन है, गुरुजी प्रवचन करते हैं तो भक्त हर बात में बोलते हैं सत्य वचन महाराज। ये भी परंपरा कहां से पड़ती है? ज्ञान मार्ग में अभी परंपरा पड़ रही है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जिनके संकल्पों का खून सूर्य के समान है, वो बाप के सामने जब आते हैं तो उनके संकल्प चलना ही बंद हो जाते हैं। सामने आने की बात तो दूर, फोन का डायल कान में लगाते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। जैसे बाप निसंकल्पी परमधामवासी, उनके संग के रंग में आने से बच्चों की भी वही स्टेज बन जाती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। खून जन्म जन्मांतर शुद्ध रहना चाहिए या अशुद्ध होना चाहिए? कैसे शुद्ध रहेगा? एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान हो जाएगा, और अनेकों के संग के रंग में आवेंगे तो ज्ञान भी व्यभिचारी हो जाएगा। इसलिए एक से सुनना अच्छा है या अनेकों से सुनना अच्छा है? जैसे आर्य समाजी हैं तो हिंदू धर्म के, सतयुग के आठवें नारायण की औलाद हैं, सबसे कमजोर नारायण की औलाद हैं या सोलह कला संपूर्ण नारायण की औलाद हैं? जन्म लेते लेते जब द्वापर में पहुंचते हैं तो इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाद में बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं तो बौद्ध बन जाते, क्राइस्ट आते हैं तो क्रिश्चियन बन जाते। जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। जैसे आज के नेताएं घड़ी घड़ी पार्टी बदलते रहते हैं, जैसे उनकी जिंदगी जीने का कोई अपना सिद्धांत होता ही नहीं। सिद्धांत पक्के होने चाहिए या लूज सिद्धांत वाला आदमी अच्छा होता है?
पक्के सिद्धांत होने चाहिए। आत्मा ऐसी हो जो सत्य रूपी वृक्ष में थोर में ऊपर ही चढ़ती चली जाए, आजू और बाजू की डालियों में कन्वर्ट होने वाली न हो। कोई विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई स्वदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। हाँ, सब धर्मों की राजाई का फाउंडेशन लगाने जावेंगे लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे। इन सब बातों का फाउंडेशन कहां पड़ता है? है संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। और बाबा आखिरी ये दुनियावी सुपर कंप्यूटर से क्या ब्रह्मांड का रहस्य सुलझा पाएंगे कि और ही व्यस्त रह जाएंगे? ये भी कोई पूछने की बात है, है? वो उलझ के रह जावेंगे या सुलझ जावेंगे? वो तो उलझते ही रहेंगे। और हाँ, नेचुरल कैलिमिटी होगी, हेमिंग गिरेगा, उसमें बॉडीज दब जाएंगी, शरीर, फिर उनका आत्मा परम धाम जाके तुरंत आके उसी बॉडी में प्रवेश करके फिर कार्य करेगी। तो इसके बाद सतयुगी कृष्ण का जन्म होगा या पहले होगा? अकाले मौत में श्रेष्ठ कर्म जन्म जन्मांतर करने वाली आत्माएं मरेंगी या जिन्होंने जन्म जन्मांतर भ्रष्ट कर्म किए होंगे वो अकाले मौत में मरेंगी? तो ये दबने वाली बात आपने कैसे बोल दी? 4.5 लाख जो 4.5 लाख दबेंगे, बिल्डिंग गिरेगी, भूकंप आएगा और 4.5 लाख आत्माएं जो अपने शरीर को ही कंचन काया बनाने वाली है वो दब जाएगी। आत्मा नहीं दबेगी, शरीर, वो अकाले मौत में मरेंगी। और धर्म की जो आत्माएं हैं जो पूरा ज्ञान नहीं लेती हैं, अधूरा ज्ञान लेती हैं, और धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संसर्ग संपर्क में आती है संगम युग में, वो आत्माएं अकाले मौत में मरेंगी और उनकी दुर्गति होगी, अंतमते सो गति होगी। हाय हाय करके मरेंगी तो हाय हाय की दुनिया में जन्म लेंगी। और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो ज्ञान सूर्य से ज्ञान लेती हैं, रेगुलर ज्ञानी स्टूडेंट्स हैं, योगी स्टूडेंट हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं कि नहीं है, वो दबके मरेंगे। वो दब के नहीं मर सकते। कुरान में भी लिखा हुआ है जब कयामत होगी तो भगवान के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, उनके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी। और बाबा जो स्वयं स्थित में रहने वाली आत्मा है, स्वयं स्थित में रहने वाली आत्मा क्या स्वयं आत्मा परिवर्तन करेगी? वो कैसे बाबू? स्वयं स्थित में रहने वाली आत्मा, स्वयं स्टेज में आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा, हाँ बाबा ने बताया है अपन को आत्मा समझ,
क्या करो? बाप को याद करो। सिर्फ आत्मा समझा और दूसरे धर्म पिता को याद कर लिया तो नीचे गिरेंगे या ऊंचे उठेंगे? नीचे गिरेंगे। आत्मिक स्थिति में भी रहे और ऊंचते ऊंच जो बाप पाटधारी है उस बाप के संग के रंग में रहे, दूसरे की याद ना आए तो सदगति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और बाबा गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलती, इसका बेहद में क्या है? बाबा वो जो गिरते हैं शेर सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते, इसका बेहद में क्या है? कौन कहते हैं? अरे भगवान कहते हैं या भगत कहते हैं? है? भक्ति मार्ग में ऐसा गायन होता होगा। जो भी भक्ति मार्ग में गायन है वो कहाँ की यादगार है? है? संगम युग में जो युद्ध है वो माया का बेहद का युद्ध है या हद का युद्ध है? है? माया का बेहद का युद्ध है। इस माया के बेहद के युद्ध में जो लड़ते लड़ते अगर गिर भी पड़ते हैं, जैसे राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में गिर गई या उठ गई? गिर गई, तो भी उसका कल्याण होता है या अकल्याण होता है? कल्याण ही होता है। जो भी युद्ध में युद्ध करते करते मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं स्वर्ग में जाते हैं। अब स्वर्ग तो दुनिया में है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? कहाँ की बात है? है? इस संगम युग की बात है। जो ब्राह्मण माया से युद्ध करते करते अगर गिर भी पड़ते हैं तो अगला जन्म लेकर वो फिर युद्ध करेंगे और युद्ध करके विजयी बनेंगे और कहाँ जावेंगे? स्वर्ग भोगेंगे। उनकी अधोगति नहीं हो सकती क्योंकि बाप की पढ़ाई पड़ी है। और माला के दानों की विशेषता क्या है? माला के दानों की विशेषता क्या है? माला का अर्थ क्या है? संगठन माने यूनिटी। और यूनिटी कैसे आती है? प्योरिटी से यूनिटी आती है। अगर प्योरिटी नहीं तो यूनिटी नहीं, और यूनिटी नहीं तो माला नहीं, और माला में ही नहीं आवेंगे तो कहाँ चले जावेंगे? है? प्रजा वर्ग में चले जावेंगे। ये हिसाब बना हुआ है। और डीके वाले आडवाणी साहब का नीचे बाबा, हाँ डीके वाले आडवाणी साहब का गुस्सा करते हैं, कामेशु क्रोधेशु कहा जाता है। जिनकी कामना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। जिनमें कम नॉलेज है, बच्चा बुद्धि है, बाप को नहीं पहचानते हैं तो उनकी कामनाएं
कंट्रोल में रहने वाली होंगी या कंट्रोल से बाहर चली जावेंगी? क्या होगा? कंट्रोल से बाहर कामनाएं चली जाती हैं, जिनकी पूर्ति होती ही नहीं, हो नहीं सकती। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध आने से नीचे गिरेंगे या ऊपर जावेंगे? नीचे गिरते हैं। है? शिव बाबा हाँ हाँ, लेकिन ब्रह्मा का नाम क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ क्या हुआ? है वो बच्चे हैं, ब्रह्मा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो माँ से ही सारी प्राप्ति होती है ऐसा समझते हैं, या ये भी जानते हैं कि बाप से बड़ी प्राप्ति होती है? छोटे बच्चे क्या समझते हैं? वो समझते हैं माँ से ही सब कुछ प्राप्ति होती है। तो आप अंदर से अंदर ही अंदर मुस्कराते रहो। हाँ, संकल्प श्रीमत से निकलते हैं, शुद्ध संकल्प श्रीमत से निकलते हैं, और अशुद्ध संकल्प व्यभिचारी याद की देन है। इन संकल्पों से जो प्रश्न निकलते हैं वो हमारे 84 जन्मों को गुप्त कर देते हैं। तो कैसे बाबा? ईश्वरीय ज्ञान से 84 जन्म क्लियर होंगे या आसुरी ज्ञान से 84 जन्म क्लियर होंगे? ईश्वर का ज्ञान आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर जो भी विस्तार भरा हुआ है वो सारा क्लियर करेगा। और आसुरी ज्ञान आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर जो भी जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है उसे दबा देगा। ये खासियत है ईश्वरीय ज्ञान और आसुरी ज्ञान की। ईश्वर का ज्ञान रचयिता और रचना के ज्ञान को खोल देता है, और जो मनुष्यों का ज्ञान है वो दबा देता है। अपनी आत्मा के 84 जन्मों को जानना चाहिए या विसारना चाहिए? जानना चाहिए। वो किसकी याद से होगा? एक की याद से होगा या अनेकों की याद से होगा? एक की याद से होगा।